दोस्तों वेलकम बैक। आज के वीडियो में बात करेंगे एक और प्रोजेक्ट की जो यहाँ पर अक्टूबर में ऑलमोस्ट 9th अक्टूबर को लिस्ट होने वाला है। लिस्टिंग की अनाउंसमेंट इनकी टीम ने कर दी है और अगर आप इस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। मीमफाई की मैं बात कर रहा हूँ और अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो अभी भी ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ एयरड्रॉप ये जो प्रोजेक्ट है वो निकाल कर दे सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे मीमफाई के टोकनॉमिक्स की, कितने टोकन आपको मिल सकते हैं, कौन से क्राइटेरिया के हिसाब से आपको टोकन मिलने वाले हैं, कौन सा ऐसा फैक्टर है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये पहला काम करना, अगर टेलीग्राम से कनेक्टेड नहीं है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लो। साथ ही कमेंट पिन किया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। सबसे पहले अगर हम मीमफाई की बात करें, यहां पर मैं टोकोनॉमिक्स आपको बता देता हूं। काफी लोग इसमें आए होंगे अभी के समय में जिनको इसके टोकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तो वो आपको मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। मीमफाई एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो यहां पर लीनिया की टीम के द्वारा बिल्ड किया गया है, दैट मींस यहां पर बेक्ड है बाय लीनिया। अगर आप लीनिया को देखेंगे तो यहां पर ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है जिसने यहां पर इसे बेक किया हुआ है। 1.3 मिलियन फॉलोअर्स है और इनके द्वारा बेक किया जा रहा है, इसी वजह से इसके चांसेस अच्छे हैं कि यहां पर ये जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो सकता है। मीमफाई लिस्ट हो रहा है 9th अक्टूबर, इन्होंने यहां पर इसको लेकर पहले ही अपडेट दे दिया, ये मैसेज यहां पर पिन भी है अगर इनके एक्स हैंडल पर जाते हैं। साथ ही यहां पर बात कर लें अगर पब्लिक एयर ड्रॉप की, तो इन्होंने क्या कहा हुआ है, पब्लिक एयर ड्रॉप चेकर विल बी अवेलेबल इन एडवांस ऑफ टीजी, मतलब एयर ड्रॉप चेकर जो है टीजी से पहले ही यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। जहां पर टोकन आपको देने से पहले ही आप यहां पर देख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप आपको मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि लिस्टिंग के बाद, जैसा कि रॉकी रैबिट के साथ हुआ, लिस्टिंग होने के बाद पता चल रहा है कितने टोकन मिले और विड्रॉल अभी तक यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो आपने यहां पर इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट देखी, लेकिन बात करें इसके टोकोनॉमिक्स की, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। जो इसका सबसे बढ़िया और पॉजिटिव पॉइंट है कि 90% यहां पर कम्युनिटी को देने वाला है और कोई भी लॉकिंग या वेस्टिंग यहां पर नहीं होगी, ये सबसे अच्छी बात है। केटीजन में क्या देखा हमने, केटीजन में भी यहां पर बहुत बड़ी दिक्कत थी, सप्लाई बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट किया। हैमस्टर में क्या देखा, यहां पर लॉकिंग कर दी गई, वेस्टिंग पे चले गया। रॉकी रैबिट में क्या हुआ, वेस्टिंग। तो ये जो पॉइंट्स जो नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं इसके बारे में तो इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि हम यहां पर कोई भी आपके अमाउंट को लॉक नहीं करने वाले हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जो पहला ही बोल सकते हो कि 90% ये अमाउंट यहां पर कम्युनिटी को देगा, टोकोनॉमिक्स यहां पर शेयर किया। अब अगर आप सप्लाई देखें पूरा, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं प्राइस वगैरह क्या हो सकता है। मैक्सिमम सप्लाई जो मार्केट में आएगा, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी आप इसे कह सकते हैं, 10 मिलियन के साथ ये मार्केट में रिलीज होगा। 100% यहां पर टीजी के टाइम ही रिलीज हो जाएगा, मतलब कोई भी हिस्सा यहां पर ये बचाकर नहीं रखेंगे। 90% तो एक इसको दे देंगे, कम्युनिटी को दे देंगे, और बचा हुआ 10% हिस्सा जो है वो भी यहां पर इन्होंने बता दिया है। अर्ली एडॉप्टर 1%, लिक्विडिटी और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को ये देने वाले हैं लगभग 5.5%, स्ट्रेटजिक और सीड और उसके अलावा पार्टनर्स इनमें हो रहा है लगभग यहां पर 3.5%। मतलब 10 मिलियन में से आपको यहां पर मिलने वाला है, पूरी कम्युनिटी को यहां पर मिलने वाला है ऑलमोस्ट 9 मिलियन, जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। लेकिन यूजर भी यहां पर एक दिक्कत की बात है कि काफी ज्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 9th अक्टूबर तक यहां पर जो यूजर्स की संख्या है वो 50 मिलियन तकरीबन पहुंच जाएगी, क्योंकि 20 से 25 ऑलमोस्ट 30 मिलियन के ऊपर तो यहां पर इसके जो होल्डर्स है वो हो चुके हैं, यूजर्स हो चुके हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं है, दैट मींस यहां पर आपको बड़ा एयरड्रॉप नहीं मिलेगा। मैं खुद भी एक्टिव नहीं था, लेकिन मैं अब यहां पर लगातार एक्टिव हूं। स्पिन वगैरह जो मिल रहा है उसका यूज कर रहा हूं, मीमफाई पर जो डेली कोड आ रहा है उसको भी यूज कर रहा हूं, उसको भी आपको मैं शेयर कर रहा हूं। टेलीग्राम के ऊपर आपको डेली जो कोड है वो वहां पर अवेलेबल किया जा रहा है। अब यहां पर 9 बिलियन टोकन आपको मिलेंगे, कम्युनिटी को मिलेंगे। अब यहां पर ये सप्लाई हो गया। अब बात करें इसके प्राइस की, तो मीमफाई का प्राइस क्या रह सकता है, सप्लाई आपने देख लिया 10 बिलियन इसका सप्लाई है, ठीक है। यहां पर अगर 0.1 जाता है तो इसका यहां पर मार्केट के प्राइस इतना चले गया $0.1, तो मार्केट कैप रहेगा इसका $1 बिलियन, ठीक है। इतना यहां पर ही गेन कर सकता है, हम $1 की बात नहीं कर रहे हैं, $1 जाएगा तो $10 बिलियन का मार्केट कैप हो जाएगा। अब 0.1 जाना यहां पर थोड़ा सा पॉसिबल नजर आ रहा है, ये सिनेरियो यहां पर क्रिएट हो सकता है। लेकिन अगर इतना नहीं गया, 0.05 चले गया, तो यहां पर इसका मार्केट कैप रहेगा $500 मिलियन, जो भी जाना पॉसिबल है। मिनिमम अगर देखूं 0.04 या 0.3 से लगाकर इसका जो प्राइस है वो $0.1 के बीच में ट्रेड कर सकता है, जिस प्रकार से यहां पर 90% ये कम्युनिटी को दे रहे हैं। बस एक ही नेगेटिव पॉइंट हो सकता है, जब यहां पर ये टोकन एलोकेशन करेंगे कम्युनिटी को तो किस बेसिस पर करेंगे, रेफरल यहां पर नहीं ले आए तो ये बेहतर होगा। अगर रेफरल ले आए तो यहां पर दिक्कत हो जाएगी कि ज्यादा बड़ा अमाउंट जो है वो बड़े यूजर्स को दे जाए। अगर कम्युनिटी में यहां पर सही तरीके से फेयर एलोकेशन हुआ, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहां पर कम्युनिटी इसको लेकर खुश होने वाली है। बाकी सारे पॉइंट्स यहां पर इसके पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, स्पेशली कम्युनिटी को देने के लिए जो अमाउंट है 90% है,
लिक्विडिटी वगैरह है वो भी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही है। इसके अलावा प्राइस वगैरह भी यहाँ पर अच्छा रहेगा और सप्लाई भी सबसे बड़ी बात है यहाँ पर काफ़ी कम है। और सबसे बड़ा और पॉजिटिव पॉइंट तो इसका सप्लाई और इसका डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो लगा जो कम्युनिटी को ये देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर लिया। बात कर लेते हैं मीम फाइव में कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है अगर आप मीम फाइव पर वर्क कर रहे हैं। डेली मैं यहाँ पर इसको लेकर अपडेट दे रहा हूँ, इसका कोड वगैरह दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर लेवल्स को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। कमेंट बॉक्स में दो चीज़ें बताना, अपना लेवल कौन से लेवल पर आप पहुँच चुके हैं और दूसरा आपका बैलेंस। यहाँ पर मेरा बैलेंस देखिए 365 मिलियन हो चुका है, मेरा लेवल है 6। मैंने यहाँ पर एक पोल किया जिसमें कई लोगों ने यह कहा कि हमारा लेवल 6 से अबव है, बहुत अच्छी बात है कि कम्युनिटी यहाँ पर ज़्यादा एक्टिव है मुझसे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आपको एक बड़ा अमाउंट ऑफ एयरड्रॉप जो है वो यहाँ पर मीम फाइव कहीं ना कहीं निकाल कर दें, जो सारे जितने भी एयरड्रॉप है जो यहाँ पर नुकसान करके गए हैं, मतलब उस नुकसान को पूरा ये यहाँ पर कवर करके चले जाए। अब यहाँ पर लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पिन हमारे पास है, ये टेप करके भी आप यहाँ पर अपने कॉइन्स को बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर ये संख्या बढ़ते नजर आएगी। इसके अलावा ट्रांजेक्शन वगैरह को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है, एयरड्रॉप के सेक्शन पर जाना है, क्रिएट वॉलेट करना है या फिर यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट करना है और ट्रांजेक्शन करना है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ना 50 मिलियन लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये ट्रांजेक्शन मुझसे मांगेगा और ये ट्रांजेक्शन ऑन चेन टास्क जो है वो मुझे लगता है लास्ट टास्क है जो कंप्लीट करना पड़ेगा, सेंडर टोन ट्रांजेक्शन। इसमें यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलेंगे एज अ कॉइन जो है वो रिवॉर्ड के रूप में मिल जाएगा और उसके साथ ही यहाँ पर टोन जो है वो मुझे लगता है 0.5 टोन मांग रहा था, पहले मैंने करके देखा था, तो इतना यहाँ पर लगेगा। अब अगर आप यहाँ पर दो चीज़ें बढ़ा रहे हैं, एक तो लेवल, ये वाला लेवल आपका बढ़ना चाहिए और आपके कॉइन्स, यही आपका यहाँ पर एयरड्रॉप डिसाइड करेंगे। एक चीज़ याद रखना, लेवल्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, लेवल 6 मेरा दिखाई दे रहा है लेकिन मैं आपको लेवल्स बता दूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो नया लेवल देखने को मिलेगा, एक नया लेवल 8 हुआ है, यहाँ पर हमें लेवल देखने को मिल जाएंगे, लेवल 20 तक यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेवल 20 है, यहाँ पर पहुँचोगे तो इतने कॉइन्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हेल्थ और न्यू एनिमीज में तो यहाँ पर भी लेवल 20 है, तो काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू प्लेइंग करो और यहाँ पर इसे प्ले करते रहो, तब जाकर आपका लेवल जो है वो बढ़ता नजर आएगा और यहाँ पर अच्छा अमाउंट ऑफ एयरड्रॉप हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये दे सकता है। अब और कोई भी अपडेट आती है टेलीग्राम पर एक्टिव रहना, वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।